हायर एजुकेशन कमीशन की वाइस चांसलर की तनख्वाहों में भारी इजाफे की सिफारिश। वाइस चांसलर की तनख्वाह 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक करने की सिफारिश की गई है। एचईसी की सिफारिशात गवर्नर और महकमा खजाना की मंजूरी के बाद लागू होंगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, इमरान यूनस हमारे साथ हैं। जी इमरान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने अपने बोर्ड इजलास में लाहौर समेत मुल्क भर के वाइस चांसलर की जो माहाना तनख्वाह है उसमें भारी इजाफे की सिफारिश जो है वो की है। वाइस चांसलर की तनख्वाह 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक करने की सिफारिश जो है वो की गई है। बोर्ड इजलास में तो इसकी मंजूरी दी गई है, लेकिन एचईसी की ये सिफारिश जो है अब गवर्नर और महकमा खजाना को भेजी जाएगी और उनकी मंजूरी के बाद ये नई तनख्वाह जो है ये लागू हो जाएगी। वाइस चांसलर को पहले साल 10,50,000 माहाना तनख्वाह मिलेगी, दूसरे साल 11,29,000, तीसरे साल 12,42,000 माहाना और चौथे साल 13,66,000 माहाना तनख्वाह मिलेगी। और चूंकि वफाकी यूनिवर्सिटियों में 5 साल टेन्योर जो है वो वाइस चांसलर का होता है, तो वहां पर वाइस चांसलर को 15 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट, डेली अलाउंस और मेडिकल की सहूलत भी 22वें ग्रेड के ऑफिसर की मिलेगी और यूनिवर्सिटी में रिहाइश ना होने पर वाइस चांसलर को 22वें ग्रेड की हाउस रिक्विजिशन भी मिलेगी। इन अलाउंसेज के अलावा वाइस चांसलर को कोई और अलाउंस नहीं मिलेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा वीसी सैलरी पैकेज पर असरअंदाज नहीं होगा और एचईसी के पास मुतलका सैलरी पैकेज को रिवाइज करने का भी इख्तियार होगा। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इमरान यूनस से तफसीलन अपडेट कर रहे थे।